प्रीवियस का पहली बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई, न्यूजीलैंड ने हॉट फेवरेट इंग्लैंड से फतह छीन ली। अबूधाबी में 167 रन का हदफ 5 विकेट्स पर ही उबूर। जमिनेशन की जारहाना इनिंग्स, डेरल मिचेल 72 रन बनाकर नॉट आउट, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी ले उड़े। कीविस का अबूधाबी में इंग्लिश बॉलर्स पर लाठी चार्ज, 3 ओवर में 57 रन, 6 छक्के भी शामिल। T20 क्रिकेट का मजा दोबाला। फैसला कुन जंग से पहले बड़ी लड़ाई, शाहीनों ने कमर कस ली। T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल आज, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दुबई में आमने सामने होंगे। ग्रीन शर्ट्स फतह का तसलसल बरकरार रखने के लिए पुरअज़म, पाकिस्तानी स्क्वाड की भरपूर ट्रेनिंग, क्रिकेट दीवाने भी पुरजोश। T20 जीत जाए क्योंकि पाकिस्तान की टीम इस दफा बहुत अच्छी है, जैसे शाहीन अफरीदी खेल रहे हैं, इमाद खेल रहा है, बाबर खेल रहे हैं, इन सब की वजह से हमें बहुत उम्मीदें हैं कि हम लोग बहुत अच्छा खेल के जीतेंगे। पाकिस्तान ने इस दफा बहुत अच्छा कमबैक किया है और इंशाल्लाह कोशिश यही है कि हम ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल जीत के फाइनल में क्वालिफाई करें और हमारे टीम इस दफा वर्ल्ड कप जीते इंशाल्लाह। जिस हिसाब से शाहीन अफरीदी और बाबर आजम और आसिफ अली खेल रहे हैं, मेरे ख्याल से पाकिस्तान वर्ल्ड कप अपना है। आज होने वाला पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मौखर, हुकूमत का इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर अपोजिशन से फिर राबते का फैसला। स्पीकर असद कैसर को टास्क मिल गया, कानून साजी के अमल में तमाम जमातों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, इस पर इख्तलाफ से जल्द राबता करूंगा, स्पीकर कौमी असम्बली का ट्वीट। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के मामले पर काफ लीग, MKM, GDA समेत इत्तेहादियों को तहफ्फुज़ात, वज़ीर दिफा परवेज खटक भी मुखालिफ। PTI अरकान में भी इत्तेफाक़ी राय नहीं, हुकूमत को इस्लाहात बिल की मंजूरी में नाकामी का खदशा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मौखर होने की असल वजह सामने आ गई। हम समझते यही हैं और हमारी कोशिश भी डेढ़ साल यही रही है कि इत्तफाक़ राय से मामलात जो हैं उनको आगे बढ़ाया जा सके, और इस वक्त ये जो सिचुएशन है उसको हमने पिछली दफ़ा स्पीकर साहब ने जो कोशिश की थी उसी को आगे बढ़ाने के लिए ये एक हफ्ते का सेशन जो है मौखर किया गया, और हम ये समझते हैं कि जो सियासी कुव्वतें हैं हमारी उनको एक पेज पर होना चाहिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के मामले के ऊपर। मुश्तरका इजलास मौखर होना आम सी बात, फैसला इत्तेहादियों की स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से मुलाकात के बाद किया गया। मामले पर बिला वजह सनसनी फैलाई गई, हुकूमत को ऐवान में वाज़े अक्सरियत हासिल, इंतखाबी इस्लाहात बहुत जरूरी हैं। फवाद चौधरी की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। हमने तो मशीन देखी नहीं है कि मशीन है कैसी जिसके ऊपर हम अगला इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। कल ब्रीफिंग थी, प्रेजेंटेशन में हमने फिर इतराज किए कि देखें आपने आज बात की है, अब ये तो नहीं है कि हम परसों इस पे वोट डाल दें, हम अपनी पार्टियों के पास वापस जाएंगे और अगर आपने कल ही पास करना है तो फिर शायद हम आपके साथ न दे सकेंगे। इसके एक दिन में 40 बिल लेकर आ रहे हो, तो पुलिस पीछे लगी हुई है, कोई आग बुझानी है। मुश्तरका इजलास तलब करने का इल्म था ना ही मुल्तवी होने का, वज़ीर आज़म के कहने पर इत्तेहादियों को ब्रीफिंग दी गई, इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर पार्टी क़यादत से बात करेंगे, मुशावरत के लिए वक्त दरकार, ये नहीं हो सकता कि कल ही वोट डाल दें। तारिक बशीर चीमा की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। दो आइटम पर वोटिंग हुई और दोनों में ऑपोजिशन मुजदा ऑपोजिशन के वोट उनसे कहीं ज्यादा थे। काले कानून ये बदनीति से लाना चाहते थे और उसको स्टीम रोल करना चाहते थे और ये भूल गए कि 2018 की जो इलेक्शन हुए जिसमें RTS जिस तरह बुरी तरह नाकाम बना दी गई, इस तरह ये लेके आ रहे थे ये मशीन, तो उनको तो अपने इत्तेहादी उसके ऊपर ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने नो कॉन्फिडेंस का इजहार किया है। मुश्तरका इजलास के इल्तवा का मतलब काले कवानीन पर हुकूमत को शिकस्त, मुकाबला करने के दावेदार मैदान से ही भाग गए, अपने और इत्तेहादी अरकान की जानब से अदम एतमाद पर वज़ीर आज़म मुस्ताफी हों,
शहबाज शरीफ का रद्द अमल। रिजेक्टेड खान तकरीर झाड़ रहे थे कि अरकान मुश्तरका इजलास में जहाद समझकर वोट दें। क्या कौम पूछ सकती है कि जहाद अचानक मुलतवी क्यों हुआ? मरियम नवाज का सवाल। इमरान साहब भाग गए, हुकूमत के नंबर ही पूरे नहीं हुए। फवाद चौधरी हिम्मत करके सच बोले, मरियम औरंगजेब का थी। खान साहब ने अपना ही बुलाया हुआ जॉइंट सेशन से भाग चुके हैं। ऑपोजिशन मिलके फैसले लेंगे, हम एक एक होके हुकूमत से रابطہ नहीं करेंगे। हुकूमत का उल्टी गिनती तो शुरू हो चुकी है और अब मेरा ख्याल है कि खान साहब घबराने के वक्त। ऑपोजिशन की मुश्तरका काविशों के सबब हुकूमत मुश्तरका इजलास बुलाने से भाग गई। उल्टी गिनती शुरू, खान साहब अब घबराने का वक्त आ गया। पार्लियामान ही हुकूमती पॉलिसीज नाकाम बनाने का वाहिद फोरम है। बिलावल भुट्टो का हिस्प इख्तलाफ के अरकान के एजाज में इशाइये से खिताब, शहबाज शरीफ की भी शिरकत, मुजाकरात के लिए कमेटी तश्कील। मुश्तरका इजलास के लिए मुल्क भर से अरकान पार्लियामेंट इस्लामाबाद में मौजूद। खर्चा करके शिरकत के लिए आने वालों का क्या कसूर है? यूसुफ रजा गिलानी का सेनेट में सवाल। हुकूमत चाहती है पार्लियामेंट हाउस को ताले लग जाएं और चाबी गुम हो जाए। ईवान की इजाजत के बगैर कलदम टीटीपी से मुजाकरात नहीं हो सकते। रजा रबानी की तनकीद, 4 साल में पहली बार ऐसा हुआ, माजरत ख्वाह हूँ, चेयरमैन का जवाब। हम कह रहे हैं कि ओपन बैलेट होनी चाहिए सेनेट के अंदर। जब आप शुरू ही कर रहे हैं डेमोक्रेसी धांधली दो नंबर ही से, वो तो मोरालिटी किधर चली गई उसकी? बार बार ऑपोजिशन को कहते रहे कि आए बताएं कोई बेहतर तरीका क्या है, क्योंकि शोर तो आपने मचाए हुए 2018 की इलेक्शन धांधली हुई है। 1.5 साल से इन्होंने कभी भी ना गवर्नमेंट की मदद की, ना कोशिश की, ना इन्होंने कोई बताया अपनी कोई तजवीज क्या होगी। बॉयकॉट करते रहे। इलेक्शन कमीशन का क्या काम था? वो इसके खिलाफ शुरू हो गया प्रोपेगेंडा करना। इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का मुखालिफ। ऑपोजिशन भी इंतखाबी इस्लाहात नहीं चाहती। इस पे इख्तलाफ ने 1.5 साल से कोई तजवीज ही नहीं दी। मुफाद परस्त हमेशा रिफॉर्म्स के खिलाफ होते हैं। सेनेट के इलेक्शन में पैसे लेने की वीडियोस दिखाई गई, मगर हुआ कुछ भी नहीं। अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी अखलाकियात कहाँ पहुँच गयी। सियासत में आने का मकसद पाकिस्तान को मिसाली रियासत बनाना था। जदोजहद जारी रहेगी। वजीर आजम का हुकूमती और इत्तेहादी अरकान को दिए गए जोहराने से खिताब। सानहा एपीएस केस की समाअत तलबी पर वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट में पेश। सानहे के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया। मुशर्रफ दौर में अमरीकी जंग में कूदने की मुखालफत की थी। ये भी पता लगाया जाए कि 80,000 अफराद किस वजह से मारे गए। 480 ड्रोन हमलों का जिम्मेदार कौन है? इमरान खान का बयान। आप आला सतह कमीशन बना दें, बतौर प्राइम मिनिस्टर इन सवालात का जवाब आपके पास होना चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अमल दरामद रिपोर्ट 4 हफ्ते में जमा कराने की मोहलत। हमें आपके पॉलिसी फैसलों से कोई सरोकार नहीं। अब तो आप इक्तदार में हैं, मुजरिमों को कटहरे में लाने के लिए क्या किया? इतने साल गुजरने के बाद भी मुजरिमों का सुराग क्यों ना लगाया जा सका? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। आप हमारे वजीर आजम हैं, हमारे लिए काबिले एहतराम हैं। जजेस का रिमार्क्स। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं, दुनिया की छठी बड़ी आर्मी हमारी है। आप मुजरिमों को मुजाकरात के लिए मेज पर ले आए। क्या हम एक बार फिर सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करने जा रहे हैं? एहतजाज के दौरान 9 पुलिस शहीद हुए, क्या कार्रवाई हुई? जस्टिस काजी अमीन का इस्तफसार। कोई भी कानून से बड़ा नहीं, जो कार्रवाई बनती है की जाएगी। वजीर आजम का जवाब। बच्चों के वालिदैन को तसल्ली देना जरूरी। शोहदा के वालिदैन चाहते हैं जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो। मुतासरीन उस वक्त के आला हुकाम के खिलाफ एक्शन चाहते हैं। जस्टिस एजाज उल अहसन के रिमार्क्स। वजीर आजम शोहदा के अहले खाना से मिले और इनके मुतालबात संजीदगी से लें।
सुप्रीम कोर्ट ने समाचार हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर की जीएचक्यू आमद, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरतहाल पर तबादला ख्याल, सिपा सलार का इंसानी बहरान से बचने के लिए अफगान अवाम की मुआशी तरक्की के लिए मरबूत आलमी कोशिशों पर जोर। अफगान वजीर खारजा 3 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। अमीर खान मुत्तकी अफगानिस्तान की बहरानी सूरत हाल पर बुलाए गए इजलास ट्राइका प्लस में शिरकत करेंगे। अमरीका, चीन और रूस के नुमाइंदगान भी खसूसी बैठक का हिस्सा। ओआईसी के नुमाइंदा खसूसी बराए जम्मू कश्मीर और असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल का वफद के साथ एलओसी के चिरिकोट सेक्टर का दौरा, ताज़ा तरीन सूरतहाल पर ब्रीफिंग, मकबूजा वादी में भारतीय मजालिम से भी आगाह किया गया, वफद की इंडियन फायरिंग से मुतासर शहरियों से भी मुलाकात। डेंगू के वार जारी, लाहौर में मजीद 6, इस्लामाबाद में 2 अफराद दम तोड़ गए, पंजाब में 24 घंटे के दौरान 501 रिपोर्ट, खैबर पख्तूनख्वा में भी 237 नए मरीज सामने आ गए। कोरोना की चौथी लहर मजीद 8 जाने ले गई, 24 घंटे के दौरान 554 नए मरीज रजिस्टर्ड, मुस्बत केसेस की शरह 1.4% रिकॉर्ड। नाजिम जोखियो कत्ल के सेनेट इजलास में शोर शराबा, शहजाद वसीम और मौला बख्शानियों के दरमियान तूतकार, पूरा सिंध पुलिस स्टेटस बन चुका है। सैफुल्ला अबड़ो के नुक्ता एतराज पर पीपी अराकीन सीखपा, हुकूमती रुकन जिनका नाम ले रखे हैं इन्हें गिरफ्तार किया जा चुका, यूसुफ रजा गिलानी का जवाब, चेयरमैन ने रिपोर्ट तलब कर ली। नाजिम जोखियो कत्ल केस की तहकीकात जारी, 3 मुलजिम 16 नवंबर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले, मुकदमे में अगवा के दिफा का इजाफा करके मजीद 11 अफराद को नामजद कर दिया गया, तफ्तीशी ऑफिसर का बयान।